रहीम अल्लाहुम्म कुल्ले वलिय कल हुज्जत इब्न अल-हसन अस्करी सलावतुक अलैहिमा अला अबाई फी हाज़िही साआत व फी कुल्ली साआत मिन साआति लैल व नहार वलियम व हाफिज़म व काइदम व नासिरम व दलीलम व आयनम हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़त अन्हु व तुमत्तियहु फीहा तुइला या रब मोहम्मद आल मोहम्मद व अजल फरज कायम आल मोहम्मद सलवात व वज़ल सबसे पहले मेरी दुआ है बानियाम ये सच मजलिस भी छाई तारा दुरिया नु जो तो टुराया जाकरी ने जाम का पढ़िया असनैन दी पाकमा अपने दरबार च मंजूर ते मकबूल फरमावे सिवाय में हुसैन दे इंशाल्लाह दुनिया भर कोई अपना वेखो शरीफ फुल का मकी करो मरिए हुसैन हुसैन कर दे उठी लिए अली अली करें दे दामन पंजन ते बारन दो होवे हाथ सब ने गारन दो होवे जिंदगी दिल्ली दो दिन दी दो साल दी 500 साल दी हजार साल जियो भावे 900 साल दी होवे जिंदगी को अजंगी जड़ी जिक्र शबीर च गुजरे ਦਾਮਗੋ ਸਾਡੇ ਬਾਰਵੀਂ ਅੱਖ ਦਾ ਜਲ ਜ਼ਹੂਰ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰਵੀਂ ਇਮਾਮ ਦਾ ਜਲ ਜ਼ਹੂਰ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰਵੀਂ ਵਾਰਿਸ ਦਾ ਜਲ ਜ਼ਹੂਰ ਹੋਵੇ ਹਰ ਸ਼ੀਆ ਤੇ ਹਰ ਸੁਨੀ ਤੇ ਹਰ ਜ਼ਦਾਰ ਤੇ ਹਰ ਅਲੀ ਮਲੀਉੱਲਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਵਾਜਿਬ ਸੁਬੂ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਬਾਰਵੀਂ ਅੱਖ ਦੇ ਜ਼ਹੂਰ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਮੰਗੇ ਇਸ ਦਾ ਅਜਰ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਸ ਦਾ ਮਕਾਮ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬਾਰਵਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਹੂਰ ਤੇ ਦੁਆ ਮੰਗਦਾ 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 ਇਨਸਾਨੀ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਤੁਰਵੇ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਉਸੇ ਬਾਰ ਮੈਂ ਜ਼ਹੂਰ ਜਿਹੜਾ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਭੇਜ ਸੀ ਤੇਰੀ ਕਬਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਗ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਾਰ ਮੈਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਕਬਰ ਤੋਂ ਬਹਿਰਾ ਕਾਬੇ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਬਾਰ ਮੈਂ ਤੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਕਰਦੇ ਇਹ ਕਾ ਬਾਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦੀ ਕਬੂਲੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਬਲੰਦ ਸਲਵਾਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਜੇ ਨੌਕਰੀ ਪਾਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫਜ਼ੀਲਤ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਜ਼ਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬਰਕਨ ਜ਼ਿਕਰ ਮਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੂਰਤ ਨਾ ਪੜਸਾਂ ਖਤਮ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਤਵਜੋ ਹੈ ਜੀ ਤਮਹੀਦ ਨੇ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਰਤ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇ ਖਤਮ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਿਓ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਮੱਲਾਂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਖਤਮ ਉਹ ਵੀ ਰਲਿਆ ਖਤਮ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਖਤਮ ਸੂਰਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਆਖਿਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਖਸ਼ਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੋਲਿਆ ਉਸ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਦੋ ਵਾਰੀ ਖਤਮੇ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਮਰਹੂਮ ਦੇ ਨਾਮ ਅਮਾਦ ਤਵਜੋ ਹੈ ਅਜ਼ਲ ਵੀ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਉਹ ਦੋ ਖਤਮੇ ਕੁਰਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੇ ਇਹ ਇਸ ਚੁਣ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਬੋਲਿਆ ਉਸ ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਕ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਦਰੂਦ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਾਮੇ ਅਮਾਲ ਵਿੱਚ ਮਰਹੂਮ ਦੇ ਨਾਮੇ ਅਮਾਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੁਣ ਮਲੰਗ ਬੋਲਿਆ ਜਦੋਂ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਜਨਾਬ ਹੁਕਮ ਉਹ ਸਕਿਆ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਰੀ ਖਤਮ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਮਰਹੂਮ ਦੇ ਨਾਮੇ ਅਮਾਲ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਕਿਤਨਾ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਰੀ ਖਤਮ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਉਸਨੇ ਮੌਲਵੀ ਦੀ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਬਾਤ ਮਲੰਗ ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਜੁੜਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਲੰਗ ਡਿੱਠਾ ਮੌਲਵੀ ਡਿੱਠਾ ਉਸ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਖੈਰ ਰਹੀ ਅਕਲ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਰੀ ਖਤਮ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਹਿ ਪੜਿਆ ਉਸ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪ ਪੜਿਆ ਹੈ ਘਰੋਂ ਟੁਰਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਰੀ ਖਤਮ ਕੁਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੌਲਵੀ ਢੇਰ ਵੜ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਖਤਮ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਢੇਰ ਸਨ ਹੋ ਸਕੇ ਜੀ ਵੇਖੋ ਇਹ ਕੀ ਪਿਆ ਆਖਦਾ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਰੀ ਖਤਮ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਆਉ ਪਿਛਲੀ ਕੋਠ ਤੇ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਪਿਛਲੀ ਗਲੀ ਚ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਈ
दो कदम जावे मालिक की आवाज आती है दो होर जा मेरे कुरान दी आयत मुकम्मल हो गई। उस बात मोहम्मद ने फरमाया कि जेड़ा बंदा एक दफा नामे अली चावे 1000 वारी खत्मे कुरान दा सवाब है। ओजा क्या जरूर टुर के आया ते रस्ते च कई दफा मैं नामे अली चाहे दोया जाके है अली ओजा क्या कई बारी नामे अली चाया है ते मैं ते अवे थोड़ा जे सवाब ते दिता बाकी तो सारा मैं कोल रख लिया। और अब मिलाद आ रहे हैं 12 रबीउल अव्वल को फिर 17 को तो कोशिश करनी है कि शिया सारे अपने सुन्नी भाइयों के नाल रल के मिलाद मनाना है तो उन्हें 17 साढ़े नाल रल के तवज्जो है वो साढ़े नाल असी बाबा जी उन्होंने रल के तो विच फर्क चेना है कोई नहीं फर्क तो सिर्फ पंजा का है। और मेरा दिल चाहता है कि 3-4 जुमले सरकार की शान से बयान कर देंगे तो जो है। और मौलवी जेड़ा ना इसकी भी क्या बात है सीरत भाई ये पता की आख रहे आई उस क्या जी 40 साल बाद जबरील आया तो उस आख सरकार ने दसिया जी तुसी अल्लाह दे नबी हो तेरे इल्म तो सदके ते नाल ही अगली गल करदा वी जदों सरकार जावण लगे ना दाई हलीमा दे नाल ते ओ जिहड़ी उठणी आई ना ओ बड़ी कमजोर आई नहीं फाई ओ टुटी नहीं ते जिवें हलीमा दाई हलीमा जनाब पाक मुहम्मद नूं लै के उठणी ते बैठी ते उठणी ताकत च हो गई ते उस उठणी नूं पता लग गया मेरी कंढ ते नबियां दा सुल्तान आया है। अगली गल इस तो भी मजेदार भी जिदा सरकार गहना भाई हलीमा दे घर सीरत भाई उत्थे एक बूटी आई दरख्त आई उह सुक होया ते जिवें सरकार दा पहला कदम आया उह हरा हो गया जो है और बिल्कुल बात ठीक है। वक्त दाई हलीमा के घर की एक बकरी आई जी भों कमजोर आई जी दो दिन की नहीं तवज्जो है तो जिमें सरकार रिसालत बाप ने बकरी की कंध से हाथ रखे दुध दिया नहर चल गई। अगली गल का लुत्फ लिया भी अगली गल करते ने भी दाई हलीमा रसूल पाक नू पालदी रही है। मैं इन क्यों ना कहां दाई हलीमा नहीं पाक रसूल दाई हलीमा नू पालदे रहे। और आखना कि साडा सोना साडा मदनी साडा मिठा ये आखना सौखा ते कदी ते मिंबर ते करो कि दस हसनैन दा नाना सोना कितना हा सारे बोलो 9 दर्जे अल्लाह ने कायनात बनाए हुसन का 1 दर्जा अल्लाह ने कायनात तकसीम किया यानी कि इंसाना के हुसन आबशारा के हुसन मरी आया पहाड़ा के हुसन सवात आया पहाड़ा के हुसन समुद्रां दे हुसन जज़ीरियां दे हुसन पूरा पिंडार ताई दा हक अदा कर दे हुसन दा 1 दर्जा कायनात नू अदा कीता 8 दे 8 दर्जे मोहम्मद अरबी नू अदा कीते। हाँ
ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਔਰ ਇਹ ਮੌਲਵੀ ਖੁਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤ ਦੇਵੇ ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਖੜੋ ਕੇ ਪਤਲੇ ਹਾਲ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਜਨਾਬ ਯੂਸਫ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਦੀ ਕਦੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਮਾਰਦ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਢੇਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜਨਾਬ ਮੂਸਾ ਦਾ ਜਨਾਬ ਈਸਾ ਦਾ ਜਨਾਬ ਯੂਸਫ ਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਪਾਕ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਐਸਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਮਜਲਿਸ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਨੂੰ ਨਬੀ ਦਾ ਹਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਈਸਾ ਨਬੀ ਦਾ ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਤਾਸੀਰ ਹੈ 124,000 ਨਬੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਆਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਨਬੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸੋਹਣਾ ਨਬੀ ਕੌਣ ਜਨਾਬ ਯੂਸਫ ਤੇ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਜਲੀਆਂ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸੋਹਣਾ ਕੌਣ ਫਿਰ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਈ ਉਹ ਤੇ ਜੁਮੇ ਦੇ ਖੁਤਬੇ ਤੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਯੂਸਫ ਮੈਂ ਹਕੀਕਤ ਬਾਤ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਨਾਬ ਯੂਸਫ ਸੋਹਣੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਪਾਕ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਡਾਲ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਾਡਾ ਸੋਹਣਾ ਸਾਡਾ ਸੋਹਣਾ ਸਾਡਾ ਸੋਹਣਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਫੇਲ ਹੈ ਜੀ ਫਰਕ ਹੈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਮੌਲਵੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸ ਬਈ ਇਹ ਜਨਾਬ ਯੂਸਫ ਜੀ ਵਾਕਈ ਸੋਹਣੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸੋਹਣੇ ਉਸ ਆਖਿਆ ਜੀ ਇਤਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹਨ ਕਿ ਮਿਸਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਜ਼ੁਲੈਖਾ ਦੇ ਘਰ ਆਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਰੀ ਤੇ ਸੇਬ ਦਿੱਤਾ ਜਨਾਬ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸੇਬ ਕੱਟੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਹੱਥ ਕੱਟੇ ਜਮਾਲ ਯੂਸਫ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਹੱਥ ਕੱਟ ਲੈ ਏਡਾ ਸੋਹਣਾ ਹਾ ਯੂਸਫ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਯੂਸਫ ਇਤਨਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਮਿਸਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਕੱਟ ਲੈ ਮੁਹੰਮਦ ਇਤਨਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਉਂਗਲੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਚੰਦ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਨਾਬ ਯੂਸਫ ਦੇ ਨਾਮ ਇਤਨਾ ਇਸ਼ਕ ਕੀਤਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਜਨਾਬ ਜ਼ੁਲੈਖਾ ਨੂੰ ਜਵਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਵਜੋ ਹੈ ਜੀ ਜਨਾਬ ਜ਼ੁਲੈਖਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਵਾਨ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਅਕਲ ਕੀਤਾ ਜਨਾਬ ਯੂਸਫ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦਲੀਲ ਹੈ ਜੀ ਜ਼ੁਲੈਖਾ ਇਸ਼ਕ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਨਾਬ ਯੂਸਫ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦਮ ਕਦਮ ਤੇ ਇਸ਼ਕ ਕੀਤਾ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ ਜਨਾਬ ਜ਼ੁਲੈਖਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਹ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲੈਖਾ ਇਸ਼ਕ ਕਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਯੂਸਫ ਆ ਦੇਣ ਜਿਹਨੂੰ ਰਹਿਮਾਨ ਮਹਿਬੂਬ ਆ ਕੇ ਹੁਸਨ ਮੁਹੰਮਦ ਆ ਦੇਣ ਪੂਰੀ ਕਹਿਣਾ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਪੂਰੀ
सरकार ने पाक मोहम्मद वास्ते बना दी थी। तवज्जो है जनाबे हजरत जनाबे फातिमा बिनते असद जनाबे अली बादशाह की पाक मां तवज्जो है जी। सरकार ना पाक बीबी रोज घर खजी दे दरख्त आई खुरमे कटने थे। कोई गल नहीं भाई छोड़ सरकार रोज की पाक बीबी रोज की करते हैं सीरत भाई खुरमे कट्ठे करते हैं। सुबह उठना जो खुरमे होंगे पाक बीबी ने कट्ठे कर लेने रख देने नबियों के सुल्तान तबलीग तो वापस आना वो खुरमे सामने करने यार रसूल अल्लाह ए मैं थोड़े वास्ते खुरमे रखी बैठी सरकार ने तलावत फरमाने सरकार ने खुश होना। एक दिन जनाबे फातिमा बिनते असद नूं वो खुरमे कट्ठे करने भुल गए जो है खुरमे कट्ठे करने पाक बीबी भुल गई। हुण जदों पहला कदम नबी सुल्तान का घर आया ना तो जनाबे फातिमा बिनते असद की नज़र पई तो दिल च फौरन ख्याल आया भी मुहम्मद खुरमे मंसी तो मैं तो कट्ठे ही नहीं किए। उस पाक बीबी के चेहरे पर थोड़ी जी परेशानी आई सरकार सामने चाची जान तुम परेशान क्यों हो मुहम्मद परेशान इस वास्ते हाँ अगे खुरमे कट्ठे कर रही हूँ अज मैं खुरमे कट्ठे नहीं किए मैं भुल गई हाँ मैं रब्बे काबा की कसम है अज नम्मा घबरा नहीं मेरे नाल आ नबी अंदर सुल्तान ने हाथ किया खत्ती का दरख्त झुकना शुरू होया नाने मोहम्मद की सरकार गली जुड़ते हैं तो पता नहीं लगता मोहम्मद जा रहे या हसन अमीर जा रहे हाँ सरकार की शक्ल सुरत और सरकार का जोड़ा पहनावा है मौलाना इमाम हसन मुस्तफा का सरकार का पहनावा पूरे अरब मशहूर है। सरकार की जो लिबास पहनते हैं बादशाह रीस करते हैं मौलाना इमाम हसन अमीर एवं नहीं आखिर ये अमीर है कि भी तो जो है जी कि सरकार का पहनावा जोड़ा है ये सरकार का लिबास है बड़े बड़े बादशाह सरकार की रीस करते हैं। और एक दफा मिस्र के बादशाह ने अपने नौकर को भेजा उस अगे जाओ वे क्या आज अकल हसन की हो जा लिबास पा रहे हैं जनाबे हाशिम ने दस्तरखान बिछाया और सरकार जितने भी हाजी आते हैं ना उन्होंने खाना सरकार जनाबे हजरत हाशिम करते हैं और सरकार मदीने के सरदार हैं और सरकार का दस्तरखान मशहूर है और सरकार छोरे में रोटियां भेगे अरबियां का बड़ा अच्छा है खाना है सरकार को खवेंदे जिसकी वजह से सरकार का नाम हाशिम पिया सरकार हाशिम के बाद जनाबे हजरत अब्दुल मुतलिब ने यह दस्तरखान बिछाया फिर जनाबे हजरत अब्दुल मुतलिब के बाद जनाबे हजरत अबू तालिब इमरान बादशाह मैं सदके थी अब्बास के बाद अली बादशाह के अमीर बाबे ने यह दस्तरखान बिछाया और जितने भी हाजी आते हैं सरकार उन्होंने खाना देते हैं। तवज्जो है जी मैं किसी को कभी सरदार आखी ही नहीं अगर कोई कायनात खानदानी सरदार है या अली है या अली का बाबा है भाई क्या बात है थोड़ी और जनाबे हजरत अबू तालिब के बाद जनाबे अली बादशाह और जनाबे रिसालत के मामले लंगर चलता रहा फिर मौला इमाम हसन और सरकार मौला इमाम हसन ने इस लंगर को वसी कर दिया हाँ सरकार ने इस लंगर को की किया वसी और रीज कर दिया
और मैं तारीख पढ़िया मैं रब काबा की कसम है सरकार के दस्तरखान तू जो बंदा एक बार खाना खा ले कायनात उसको कोई खाना चंगा ही नहीं लगता इन्हें खाने खाते रहे सरकार ने दस्तरखान को फिर इन्हें तैयारी की वापस चले गए हूँ बादशाह ने पूछा मिस्र के बादशाह ने पूछा भाई वेख आए हो अजकल मौसम के हिसाब न हसन कैसा लिबास पा रहे है वो एक बंदा मुस्कुरा के आता जी लिबास दिवें का भी है तू बनवा ही नहीं सकता लिबास कैसा भी है दरवाजे तू असा लंगर किया खाना जन्नत चो आंदा कपड़े जमीन ते पड़दे लिबास भी जन्नत तवज्जो है जी जितने आबाद तशरीफ हुआ सरकार मौला इमाम हसन ने तैयारी की हज वास्ते सरकार उसने जमाल की तुनी सरकार खूबसूरत की तुनी सरकार ने तैयारी की सरकार काबे का तवाफ पे कर दें तवज्जो है जी सरकार ने तवाफ मुकम्मल किया सरकार जो फिताबत खलोगे तवज्जो जा सकी हूँ जितने बंदे तवाफ पे करते हैं ना उस तो ज्यादा सरकार की जियारत पे करते हैं जितने तवाफ पे कर दें उस तो ज्यादा सरकार की जियारत पे कर दें एक काफला आया जी मिस्र चु तवज्जो है जी एक काफला मिस्र चु पहुंचा हज वास्ते उन्हें कहा जी इत्तमा किस वास्ते उसने कहा जी फरजंद रसूल अली का बेटा नाम है हसन मुस्तफा तवज्जो जा सब भाई तिलावत की जियारत की पहला ते हाथ ला किया जाए ओ अब बंदा है खुदा उज्जत है खुदा अली का बेटा मोहम्मद का बेटा मैं दस जब मिस्र दी औरतों ने हाथ कटे तू किथे है जदों भी सर्दियां औरतों ने हाथ कटे तुसी कड़ी जाते